नमस्कार टोरस, टोरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टोरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग 23 जुलाई से 31 जुलाई तक यानी कि मंथ एंड तक की होगी। और इसमें एक कह सकते हैं कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। रिसेंट पास्ट और करंट एनर्जी और आने वाला फ्यूचर, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका जो पास्ट बीता है और करंट एनर्जी कैसी चल रही है, ये और फ्यूचर में आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड क्या प्रेजेंट करंट एनर्जी, क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। तो पास्ट, जो रिसेंट पास्ट है आपका, लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ना कोई, या तो काफ़ी एनर्जीज आपने मतलब डाली हैं, एफर्ट लगाए हैं, कोशिश की है, मेहनत की है अपना पास्ट में अपना रिलेशन बनाने के लिए, किसी से बातें करने के लिए, दोस्ती करने के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपने चाहा है कि अभी कोई मतलब पास्ट में आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सबसे पहले आपको स्टेबल होना हो जाना चाहिए, पैसे से, प्रॉपर्टी से, धन दौलत से, हर चीज़ से, कि जितने उसके अगर स्टेबिलिटी होगी तो लाइफ में प्यार बहुत जल्दी आएगा, घर बनना, घर बसना होगा। तो ये भी हो सकता है। या फिर आपने जो अपने प्यार के लिए एनर्जी डाली है तो वो प्यार काफ़ी अच्छा रहा है आपका। रिसेंट जो प्रेजेंट एनर्जी है, रिसेंट जो पास्ट की एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी देख परख करके ही आप रिलेशन में शायद मतलब किसी से आपने दोस्ती की है, और आप फिर भी आप अपने उससे स्टेबिलिटी से ही प्रायोरिटी देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए, घर, पैसा, मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपने जो आपके जो पार्टनर हैं या जो भी जिससे आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, जिसके साथ आप शादी वगैरह या कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो उनसे आप बाद में बातें करना चाहते हैं। तो काफ़ी मतलब पास्ट जो है आपका काफ़ी एनर्जेटिक रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी आपकी लाइफ में प्यार आया है, वो आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है वो आप जानें। तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी थोड़ी सी टेंशन भरी लग रही है। लग रहा है कि जिससे आपने प्यार किया था, जिसको आप चाहते थे, जो आपका लव था, उसी ने ही आपको धोखा दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपको लग रहा है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस पर आपने सबसे भरोसा किया। तो हो सकता है कि जो ये पास्ट की जो एनर्जी है वो बता रही है कि शायद जिसे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिनके साथ आप खुशियाँ, घर बनना, घर बसना देखना चाहते थे, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने मतलब कुछ ऐसा किया है कि आप सबसे पहले इस रिलेशन में नहीं जाना चाहते, आप पहले स्टेबल होना चाहते हैं, उस पर अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, एनर्जी डालना चाहते हैं, तभी आप रिलेशन में आगे आएंगे। तो इस वजह से शायद आपका प्रेजेंट जो दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि शायद आपके प्यार ने ये धोखा दिया है कि वो अभी रिलेशन में नहीं आना चाहते, अभी आगे लाइफ में नहीं बढ़ना चाहते, वो सबसे पहले अपना टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, धन संपत्ति, इन सब चीज़ों के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो इस वजह से आपका मन टूटा है, दिल टूटा है, आपको परेशानी हुई है, तो आपने एक ब्रेक लिया है, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं,
मेडिटेशन करना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपके साथ घटित हुई है, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है और आप महसूस कर रहे हैं कि जब आपका दिल दुखना बंद हो जाएगा, जो आपकी भावनाओं के साथ खेला गया था, जो आपको धोखा दिया गया था, जब तभी आप आगे बढ़ेंगे जब आप उन चीज़ों से निजात पा लेंगे, यानी कि आपका दिल दुखना मन दुखना बंद हो जाएगा और आपके आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और आपको आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में उन चीज़ों को छोड़कर, तो तभी आप इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करने वाले हैं। तो जो टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया रिश्ता, नया दोस्त आ रहा है, कोई है जो जगलिंग कर रहा है, मतलब कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो वो जिग जैग कर रहा है, उनको लग रहा है कि वो ऑप्शन नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि उनके पास आने का भी ऑप्शन है और नहीं भी आने का ऑप्शन है, तो वो कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अभी वो जिग जैग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी के लिए कोई डिसीजन ले पाएंगे, अभी वो कभी सोच रहे हैं कि उन्हें पैसा बनाना चाहिए, प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, वो अपने उस पर स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, और कभी वो चाह रहे हैं कि अगर उनको प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो उनको उनके पास चले जाना चाहिए, तो वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपको आपके नोन हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं या नहीं भी आना चाहते, फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्ती करना चाहते हैं, और कई बार उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहिए, तो ये हो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि ये मे बी का कार्ड है, तो ये क्योंकि उनको एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा और तभी आगे वो बढ़ सकते हैं कि उनको आना है या नहीं आना है, लेकिन जो भी वो डिसीज़न लेंगे, वो अगर आपकी लाइफ में आना चाहेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा, और अगर वो नहीं आ रहे तो भी आपके लिए अच्छा होगा, दोनों चॉइसेस में आपको खुशी मिलने वाली है, आपके लिए ठीक रहने वाला है, क्योंकि हर रोज़ परेशान रहने से, लड़ाई झगड़ा करने से, दिक्कतें होने से अच्छा है कि आप सोच विचार करके आगे बढ़े। डेथ, तो ये क्या आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन आ रहा है जिससे आप पहले जानते हैं, पहले प्यार करते थे, या जिसके साथ आपके संबंध थे, तो नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, क्योंकि वो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आने से रोक रही है, कुछ सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ जगह हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं जिन्हें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ दुख, परेशानी, तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो वो इसलिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते। पास्ट की जो एनर्जी है वो आपके लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही, तो कोई भी पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, और जो प्रेजेंट जो नया पर्सन है वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उनके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो भी कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा, तो अभी मतलब जिगजैग वाली पोजीशन आपकी रहने वाली है, कोई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन पुराना पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो आएगा तो परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं बढ़ती रहेंगी, उनके साथ आपके विचार कभी मिले ही नहीं, जिस पास्ट के पर्सन को आप जानते हैं कुछ ना कुछ उनके साथ उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती रही है, वैसी चीज़ें नहीं हैं, वैसा प्यार नहीं है जो आप ने ढूंढा था, जो आपके लिए था, आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, तो जब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, चाहे वो रिलेशन हो सकता है, जगह हो सकती है, कुछ बातें हो सकती हैं, जो पैसा, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है, जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी, जब तक वो बदलेंगी नहीं, जब तक उनको समय नहीं दिया जाएगा, वक्त नहीं दिया जाएगा, जब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, तो उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा पहले, तभी आगे के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो गाइडेंस, 10 ऑफ कप्स, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अभी आप फैमिली के साथ खुश रहिए, उनके साथ मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी में जाइए, गेट टू उनके साथ
अगर टूर ट्रैवल कीजिए, अभी आपको फैमिली के साथ परिवार के साथ खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। अभी किसी प्यार में, किसी रिलेशन में, इस चक्कर में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। आपको अपने अपने आप को स्टेबल करना है। जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो तभी आप किसी रिलेशन में जाने के बारे में सोचिएगा। अभी के लिए आपको किसी इस प्यार प्रेम के चक्कर में नहीं घुसना है। अभी आप काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं, प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, उन चीज़ों से भी आपको निजात पानी है। अभी परिवार के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, घूमने फिरने जाइए, जहाँ भी आपका मन खुश होता है टूर ट्रैवल पर जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है उन सब चीज़ों के लिए उनके साथ समय बिताइए, परिवार फैमिली के साथ। तो और ये आपकी एनर्जी थी। अभी कम से कम 31 तारीख तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि आप अपने प्यार की तरफ बढ़े। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप दोनों को आपस में बातें करनी होंगी कि आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वो भी टू ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, तो उसमें भी मेरे को लग रहा है कि वो जो भी बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है वो स्टेबिलिटी को ही प्रेफरेंस देने वाला है, या फिर आप स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो कमेंट्स कीजिए, अब तक शुरू नहीं किया। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।